मुफ्त नहीं, सही रेट का जो आटा है वो भी कतारों में लग कर लेना पड़ा है। तो ये पिज्जा एक पैकेट आटा, सस्ता आटा, सस्ता आटा, सस्ता आटा, पिज्जा मेरी तरफ से गिफ्ट तुझे, जा ऐस कर। मुल्क में मौशी बहरान है जिससे अवाम बराहे रास मुतासिर हो रही है। हमने रिवर्स गियर लगाना था फ्रॉम बेगर्स टू चूजर्स। तो भाई साहब ये है बासमती राइस और ये है सिर्फ 77 का और पाकिस्तान में था 410 का। लो जी अगे आ गई कच्ची बासमती या कायनात चावल जेड़ा है 410 रुपये किलो भाजी। बिरयानी खाना भी उनके लिए औकात से बाहर है। और आज भी हम बेगस हैं, खुदा जाने हम चूजर्स कब बनेंगे। सस्ता आटा ना ये नारी है। सस्ता आटा मैं कहाँ जाऊँ, गाड़ की भट्टी में जाओ, जाके अपनी ऐसी तैसी कराओ। तो कैसे हो आप सब? आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि बंटी सर ने है ना वेजिटेबल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो कंपेयर करके दिखा दिया बाहर जाकर, तो किट्टू तू कहाँ मर रही है, तू क्यों नहीं जा रही, तू जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फूड जो राशन है उसका कंपेयर कर। अच्छा तो मैं आई हूँ यहाँ पर सुपरमार्केट पर। ठीक है जी। फिर हम देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ज्यादा इंडिया बिलबिलाए तो उनको पकड़ कर जेल में भी डाल दिया जाएगा। वाह भाई वाह। ऐसी कंट्री में वो लोग पूरे दिन इंडिया बिलबिलाते और कहीं भी स्टोर में घुस जाते हैं कहीं भी। लेकिन हमारे यहाँ पर देखे तो हम जो पब्लिक रिव्यू भी नहीं ले रहे थे, हम मतलब बेस्ट कंपेयर कर रहे थे, हमें मतलब रोक दिया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। हम कम से कम 3-4 स्टोर में गए, यहाँ भी हमें पहले रोक दिया गया था, लेकिन हमने जब पहले दिखाया कि हम पहले भी इसी स्टोर में बना कर ले गए हैं तो हमें परमिशन दे दी गई। लेकिन बाकी सारे स्टोर में, जैसे मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, तो उनमें हमें रोक दिया गया पता नहीं क्यों। आज हम जलाने आए हैं पाकिस्तानियों के कि हमारे यहाँ पर कितना सस्ता, कितना अच्छा क्वालिटी का सामान मिलता है, वहीं पाकिस्तान पर मिलावटी और गंदी क्वालिटी का और कितना महंगा मिलता है। मतलब वहाँ पर एक हफ्ते का जो राशन है वो 24,000 में लेकर आया बंदा। सोचो 24,000 में भाई साहब। टोटल बिल जेड़ा जी वो है 23,973। साथ में मैं यहाँ पर फिजा को दूंगी कुछ गिफ्ट मेरी तरफ से। चलो लेट्स गो। हाँ तो भाई पाकिस्तानी खाते हैं डालडा घी, लेकिन हम खाते हैं शुद्ध देसी गाय का घी और ये है 270 रुपए का 250 ग्राम, और वो उनका डालडा था 509 का। डालडा फोर्टिफाइड बनस्पति जेड़ा जे 5 किलो 2545 रहा। हाय हाय महंगाई। तो डालडा में और शुद्ध देसी घी में बहुत दिन रात का अंतर होता है। ये तो उनके मुझे लगता है 4-5 हजार रुपए किलो होगा। उफ, क्या जुल्म ढा दिया। और हाँ, वैसे भी वो चर्बी का घी खाते हैं, उनको ये घी हजम नहीं होगा। अब अगर यही हालात रहते हैं तो फिर अवाम और ये मुल्क कहाँ जाएगा, हट के फ्लावर हो जाएगा। ये है रिफाइंड सोयाबीन ऑयल जो कि वहाँ पर उनका डालडा कंपनी का था, जो कि 570 में 1 किलो था, और ये है 552 में 5 किलो। कुकिंग ऑयल है वो है जी 2850। तो क्या बोलूं मैं। और हाँ भाई साहब, मेरे से गलती से एक भारी मिस्टेक हो गई। मेरे अंदर घुस गई थी भाई साहब बिल्लो रानी और पप्पू की आत्मा। क्या करूँ यार, 3-4 जगह से मुझे भगा दिया, तो मेरा दिमाग थोड़ा वो हो गया और मैंने केजी और लीटर में डिफरेंस ही नहीं किया। तो आई होप आप इस गलती को भुला दोगे। तो भाई साहब ये है बासमती राइस और ये है सिर्फ 77 का और पाकिस्तान में था 410 का। लो जी अगे आ गई कच्ची बासमती या कायनात चावल जेड़ा है 410 रुपये किलो भाजी। बिरयानी खाना भी उनके लिए औकात से बाहर है। हमें एक कौम बनना होगा, एक कौम। वैसे काफी हमारे जो हिंदुस्तानी भाई बहन है उनको इन पर तरस आ जाता है, लेकिन ये तरस के लायक नहीं है। इन्होंने हर टाइम आतंकवादी हरकतें की है और आतंकवादियों का यही हाल होना चाहिए, भूखमरी से मरने चाहिए। बिरयानी मसाला जी कितने का? 230। हाँ तो भाई साहब ये है बिरयानी मसाला जो कि पाकिस्तान में था 50 ग्राम कितने का, 230 का, और यहाँ पर है 88 का। तो मुझे तो चाहिए नहीं क्योंकि मैं बिरयानी, जो वेजिटेरियन वाली बिरयानी होती है ना, वो भी मुझे पसंद नहीं क्योंकि खड़े मसालों का टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मुझे पसंद नहीं, मैं रख रहा हूँ। उसके बाद है चाट मसाला, ये भी 50 ग्राम है सिर्फ 44 का, जो कि पाकिस्तान में था 180 का। हाँ तो भाई ये है कोलगेट और ये है 150 ग्राम कितने का, 87 का, और वहाँ पर है 200
30 का या 50 का वो उसने दूसरे वाला दिखाया, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने सोएब चौधरी के वीडियो से कंपेयर किया था तो 700 रुपए का था। अब पता नहीं ये इतनी धांधली क्यों चल रही है। महंगा करो महंगा, मुझे मजा आएगा। हाँ तो भाई साहब उसने सर्फ एक्सेल लिया था है ना 1145 का, और यहाँ पर 5 kg का पैकेट है 705 का। सर्फ एक्सेल 2 किलो का पैकेट जेड़ा सर्फ एक्सेल 1145 का। तो डिफरेंस आपके सामने है। पाकिस्तानियों सूजी या सूजी हलवा पकाए, चलो सालो ऐसे ही महंगाई से मरोगे एक दिन, मेरे हाथ से भी मरोगे। तो नमक भाई साहब यहाँ पर है 25 रुपए kg और वहाँ पर था 70 रुपए kg। लो जी लून जेड़ा है दी कीमत जे 140 रुपये 2 पैकेटा दी। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं करता क्योंकि वहाँ पर 3 गुना वो अगर लगाए तो सेम सेम है, लेकिन मैं फिजा के लिए कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। फिजा पर मेरा दिल आ गया है। मुफ्त नहीं, सही रेट का जो आटा है वो भी कतारों में लग कर लेना पड़ा। तो ये फिजा एक पैकेट आटा, सस्ता आटा दे, सस्ता आटा, सस्ता आटा। फिजा मेरी तरफ से गिफ्ट तुझे, जा ऐस कर। मुल्क में मौशी बहरान है जिससे अवाम बराहे रास्त मुतासिर हो रही है, और मुझे पता होता मेरी फिजा को इतने आटे की जरूरत है, आटे की लाइन में लग रही है, तो मैं एक पैकेट नहीं 10-20 पैकेट देती यार, गिफ्ट कर देती। ऐसे ही फिजा तेरे लिए तो मैंने बहुत कुछ प्लानिंग कर रखी है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो भाई साहब हमारे इंडिया में जो ओरियो का मिनी पैक है जिसमें 3 पैक आएंगे उसका है 94, ठीक है इंडियन रुपी, और जो जंबो पैक है जिसमें 5 का कॉम्बो है ये है 151 इंडियन रुपीस, और पाकिस्तान का जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ तो भाई ये है चना दाल और 41 की 500 ग्राम मतलब 82 की 1 kg हमारे इंडियन रुपीज में, और पाकिस्तान में है ये 350 की। ये है बेसन जो कि 88 का है 1 kg, और जो पाकिस्तान है उसमें 340 का, और हमारे यहाँ बेसन थोड़ा महंगा है। मुझे जहाँ तक लगता है बेसन महंगा ही होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान उल्टा देश है तो वहाँ पर उल्टे चीज़ें चलती। वाह भाई वाह। तो उनकी चना दाल मतलब महंगी है और बेसन सस्ता है, हमारे बेसन महंगा है और चना दाल सस्ता। तो है भाई ये नूडल्स है, मैगी है, और इनका जो है रेट वो 56 है, 4 पैक का ये कॉम्बो है, और जो पाकिस्तान में तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैगी मिलती नहीं होगी, अगर मिलती होगी तो मैं गूगल से रेट लगा दूंगी। छोटा पैक है 10 रुपए का, और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बैचलर्स की ज़िंदगी है, जब भी कुछ खाने को नहीं मिले इसको पकाओ 2 मिनट पे और खा जाओ, जस्ट लाइक मी यो यो किट्टू भाई इसी के सारे जिंदा है। हाँ तो भाई ये कंपेयर वीडियो करने के बाद मुझे पता चला कि पाकिस्तान में नेक्स्ट लेवल की महंगाई है, और नहीं तो क्या, ये पूरी पाकिस्तान की आर्मी की गलती है, इनको सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो किस दर्द तकलीफ से गुजर रही है, लेकिन ये इनकी जो पब्लिक है और ये आर्मी है जो भी है पूरा पाकिस्तानी सांप के पिल्ले हैं, जिन्ना के पिल्ले हैं, जिस दिन इनको 2 वक्त की रोटी मिलने लगी ना ठीक से ये उसी दिन कश्मीर कश्मीर चिल्लाएंगे। लड़ने और मरने से हम नहीं डरते। अच्छा हमारा तो ईमान ये है कि असल जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होती है। क्या बात है सर, क्या बड़ी बात है। तो मैं तो चाहती हूँ अच्छा है और महंगाई हो जाए पाकिस्तान में, बेड़ा गर्क हो जाए, धस जाए, मर जाए, डूब जाए, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई क्रिकेट्स। यो यो किट्टू भाई।